हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हमने ऑलरेडी 15 एडजस्टमेंट देख लिए हैं बच्चे लोग, आज हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आज के थोड़े एडजस्टमेंट थोड़े डिफिकल्ट है, थोड़े अलग लेवल के हैं, प्लीज़ आपको ध्यान देना है। तो पहला एडजस्टमेंट मैंने क्या लिखा है, सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर। ये ईजी है, सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर। तो मैंने आपको कल ही बोला था, मतलब लास्ट लेक्चर में बोला था कि पार्टनर को जो भी मिलेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पाएगा, क्रेडिट, क्योंकि उतने से उसका पैसा बढ़ेगा, या उसको सैलरी मिले, या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, या उसको कमीशन मिले, ये जो भी उसको मिलने वाला है पार्टनर को, वो पार्टनर्स कैपिटल की कहाँ पाएगा, क्रेडिट में। अब उसको मिल गया तो पार्टनर का तो क्या हो गया, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। पर अकाउंट्स करते वक्त बच्चे लोग हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, तो पार्टनर का इनकम है पर बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस। इसीलिए दूसरा इफेक्ट कहाँ पाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, बराबर। सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सबको मेरी बातें समझती है, सैलरी या कमीशन पेएबल टू पार्टनर, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, आगे बढ़ते बच्चे लोग, आगे क्या लिखा है, सेल इंक्लूड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। पहले आपको समझना पड़ेगा सेल, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा सेल्स तो कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। पर जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का सेल्स होता है वो तो रिलेटेड टू क्या होता है, गुड्स होता है बच्चे लोग, बराबर, रिलेटेड टू गुड्स। और ओल्ड न्यूज़पेपर बेचना ये हमारे लिए गुड्स नहीं, ये तो हमने रद्दी बेचा, तो छोटा मोटा हमारा क्या हो गया, इनकम। पर हमारे अकाउंटेंट ने क्या सोचा, सेल किया। सेल क्या मतलब, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो उसने जो न्यूज़पेपर बेचा उसने उसको कहाँ पे डाल दिया, सेल्स में डाल दिया। इसलिए तो एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, सेल इंक्लूड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो हमको गलती को सुधारना है, इसीलिए हम सेल्स में से क्या करेंगे, लेस, लेस फ्रॉम सेल्स। सेल्स कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, उसमें से हम क्या करेंगे, लेस सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिखेंगे, लेस सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बच्चे लोग, बराबर। पर भले रद्दी बेचा, थोड़ा कम पैसा आया, पर है तो वो हमारा इनकम, तो इसीलिए दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सर क्यों क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। सबको मेरी बातें समझी, ईच एंड एवरीवन। तो सर ये क्रेडिट हुआ तो ये डेबिट कैसे हुआ, सेल्स कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट, उसमें से हमने क्या किया, लेस, तो ये इफेक्ट क्या हो गया, डेबिट, तो एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। तो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था बच्चे लोग, सेल इंक्लूड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो हम लोग सेल्स में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सबको समझा, यस और नो? ऐसा एक और लिया है, देखो ऐसा मैंने एक और लिया है, सेल इंक्लूड सेल ऑफ असेट, एक मिनट ना बच्चों, सेल इंक्लूड सेल ऑफ असेट, ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, रियली सॉरी, हाँ ये परफेक्ट है, सॉरी। क्या हो रहा है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हाँ ये परफेक्ट है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेल इंक्लूड सेल ऑफ असेट, अभी फिर से सुनो, ये क्या था, सेल इंक्लूड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये तो समझा। अब इधर क्या लिखा है, सेल इंक्लूड सेल ऑफ असेट, मैंने असेट बेचा, समझो मैंने मशीनरी बेचा, फर्नीचर बेचा, जो भी बेचा, तो उसमें से क्या होना चाहिए था, लेस, असेट में फर्नीचर मशीनरी असेट में से क्या होना चाहिए, लेस सेल। पर हमारा अकाउंटेंट क्या सोच रहा है, सेल हुआ तो उसने असेट में तो लेस नहीं किया, उसने ये अमाउंट सेल्स हुआ, पैसा आया, उसने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय सेल्स में ये अमाउंट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो क्या लिखा है, सेल में उसने सेल ऑफ असेट डाल दिया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम सेल्स,
ईच एंड एवरी वन लेस फ्रॉम सेल्स, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट। सेल्स क्रेडिट देता है, उसमें से लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। अब बेचा तो असेट है ना, तो असेट में तो लेस करना था, उसने किया नहीं, तो हमको करना पड़ेगा, इसलिए इधर क्या लिखा है? लेस फ्रॉम असेट। असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। उसमें से लेस करेंगे तो ये इफेक्ट क्या हो गया? क्रेडिट। सबको समझता है? सेल इंक्लूड सेल ऑफ असेट, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम असेट। सेल में से लेस क्यों किया? क्योंकि गलती से सेल में डाल दिया, सेल्स, यस और नो? और इसको वैसे भी लेस कहां से करना था? असेट में से, तो असेट में से हमको क्या करना पड़ेगा? लेस। सबको मेरी बातें समझी? ईच एंड एवरी वन। अभी फिलहाल हमने तीन एडजस्टमेंट किए, सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर, सेल इंक्लूड सेल ऑफ ओन न्यूज़पेपर, सेल इंक्लूड सेल ऑफ असेट। आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? एक्सपेंस इंक्लूड डिपॉजिट। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग इंक्लूड डिपॉजिट पेड टू इलेक्ट्रिक बोर्ड। सुनो, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, सबसे पहले समझो इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है। सबसे पहले ये समझो, इसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रिक बोर्ड को डिपॉजिट किया वो हमने इस अमाउंट में क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। पर पहले तो आप समझो एक्सपेंस और डिपॉजिट में फर्क है। डिपॉजिट तो वो है जो हमको फिर से मिलने वाला है, तो हम उसको एक्सपेंस नहीं मान सकते। सबको समझना है? ईच एंड एवरी वन, आप किधर भी घूमने गए कोई प्लेस पे, वहां आपने लॉकर लिया, लॉकर का रेंट 100 है, 400 डिपॉजिट है, तो आपने उसको 500 दिया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते आपका 500 एक्सपेंस है, 100 एक्सपेंस है, बाकी का 400 तो डिपॉजिट है। तो जब आप लॉकर का की रिटर्न करोगे तो वो डिपॉजिट आपको क्या मिलेगा? फिर से रिफंड मिलेगा। तो यही हमारे अकाउंटेंट ने भी गलती की, एक्सपेंस के अंदर क्या डाल दिया? डिपॉजिट। मैंने एग्जाम्पल भी लिया, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग इंक्लूड डिपॉजिट पेड टू इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो गलती को सुधारना ही पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, उसमें से क्या करना पड़ेगा? लेस डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिक बोर्ड। और दूसरा इफेक्ट कहां पे आ जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, ये जो लेस किया वो बैलेंस शीट में कहां पे आ जाएगा? असेट साइड, डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिक बोर्ड। सबको समझा? ईच एंड एवरी। तो ये क्या है सर? इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, ये ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है? एक। और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो। ये इंटरेस्टिंग था, एक्सपेंस इंक्लूड डिपॉजिट, मतलब एक्सपेंस के अंदर हमने डिपॉजिट भी डाल दिया, तो गलती को सुधारो, डिपॉजिट को क्या कर दो? लेस। सही, असेट में क्यों आया? क्योंकि डिपॉजिट कहीं ना कहीं मुझे फिर से रिफंड मिलने वाला है, इसीलिए वो मेरा क्या है? असेट। सबको समझा? एक्सपेंस इंक्लूड डिपॉजिट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर। पहले तो समझो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। उसमें हमने पार्टनर अपनी वाइफ के साथ घूमने गया, वो खर्चा भी इंक्लूड कर दिया, पर वाइफ अलग है, बिजनेस अलग है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम दोनों है अलग अलग, वाइफ पार्टनर की है, बिजनेस की तो नहीं है, तो उसका खर्चा भी कौन बैर करेगा? पार्टनर बैर करेगा, बिजनेस बैर करने वाला नहीं है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में पार्टनर ने अपना पर्सनल खर्चा डाला, तो गलती को सुधारो, लेस फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बस सर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? लेस, क्योंकि पर्सनल है, मतलब क्या हो गया? ड्रॉइंग। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, याद करो हमने लिखा भी था डेबिट में टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। सबको समझा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर, लेस फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंस। दूसरा इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ईच एंड एवरी वन, यस और नो? छोटे छोटे एडजस्टमेंट है पर थोड़े अलग है। ओके, नेक्स्ट क्या? गुड्स सप्लाई टू पार्टनर। अब एक और गुड्स के रिलेटेड मैंने डाल दिया, इंक्लूडेड इन डेटर। पर पहले आप मेरी बात समझो, ईच एंड एवरी वन। ओके, पहले आप मेरी बात समझो, गुड्स सप्लाई टू पार्टनर इंक्लूडेड इन डेटर। पहले समझो, डेटर का बात है जब हम क्या करते हैं? सेल्स करते हैं। तो हमारे पास से गुड्स जा रहा है, सेल्स किया तो डेटर में आएगा, तो गुड्स जा रहा है, तो कौन लेके जा रहा है? पार्टनर। देखो इधर लिखा है,
गुड सप्लाई, गुड्स जा रहा है टू पार्टनर, पार्टनर लेके जा रहा है, मतलब ये सेल नहीं है। तो हमारा अकाउंटेंट ने सेल सोचा और कहां पे डाल दिया, डेटर में। तो गलती को सुधारो, लेस फ्रॉम डेटर। और अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो ऊपर भी पड़ा, वो क्या है, एक तरह का ड्रॉइंग्स। तो दूसरा फिर कहां पे आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, यस और नो। सर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्यों आएगा, क्योंकि एक तरह का क्या है, ड्रॉइंग्स है। सबको मेरी बातें समझी? ऊपर वाला क्या था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर। ये वाला क्या था, गुड्स सप्लाई टू पार्टनर इंक्लूडेड इन डेटर। हमने गुड्स पार्टनर को दिया, अकाउंटेंट ने गलती से वो अमाउंट डेटर में डाल दिया, तो डेटर में से लेस करना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल में कहां पे लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड। आगे बढ़ते, आज ये क्यों दिक्कत हो रहा है पता नहीं, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सुनो यार, आपने सोचा ट्वेल्थ में बोर्ड एग्जाम है, पढ़ाई के लिए आपने 15 पेन ले ली, कि 15 पेन आपने ली और सोचा आपने कि इस बार बहुत पढ़ाई करेंगे, जम के पढ़ाई करेंगे। तो आपने 15 पेन ली तो उसका खर्चा था, आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दिया। पर जब आप ईयर एंड में आपने ड्रॉवर खोला तो 14 पेन बच गए। आपने 15 पेन ली पर 14 पेन बच गई, तो एक्चुअली खर्चा तो एक ही पेन का हुआ। तो जो 14 पेन बच गई वो तो फ्यूचर में आपका क्या है, असेट है, आपने उसको यूज किया नहीं है, अनयूज्ड है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी बोल सकते हैं, या अनयूज्ड स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में स्टॉक बच गया तो आप क्या करोगे, उसमें से क्या करोगे, लेस। सर क्यों लेस करेंगे, क्योंकि वो इस बार करंट ईयर में खर्चा हुआ ही नहीं। आपने 15 पेन खरीदी पर खर्चा तो एक ही पेन का हुआ, तो आपने 14 पेन का एक्सपेंस क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में अगर ऐसा आया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एडजस्टमेंट, तो आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। और क्योंकि आप फ्यूचर में आपको पेन लेने की जरूरत नहीं है, तो दूसरा इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। देखो मैंने 15 पेन ली, ईच एंड एवरीवन समझो, मैंने 15 पेन ली, एक पेन 10 रुपए का है, तो टोटल मेरे जेब से कितना गया, 150। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कितना हो, 150। पर लेस मैं क्या कर दूंगा, प्रीपेड, प्रीपेड क्योंकि पहले से हो गया। प्रीपेड बोलो या स्टॉक बोलो, लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। 14 पेन बच गई तो कितना हो गया, 140। तो बाहर कितना आ गया, 10। मतलब करंट ईयर में खर्चा कितना हुआ, 10, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 150 में से 40 क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो बाहर कितना आ जाएगा, 10। सबको मेरी बातें समझी? सर बाहर क्यों 10 ही आया एक ही पेन का, क्योंकि करंट ईयर में आपने एक ही पेन यूज की। जो 14 पेन बच गई, स्टॉक लिखोगे तो अच्छा रहेगा प्रीपेड के बदले, जो स्टॉक बच गया वो फ्यूचर में यूज कर पाओगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। सबको मेरी बातें समझती है, ईच एंड एवरीवन, यस और नो? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के दो इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। दूसरा इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट असेट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसमें आप क्या करोगे, लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, बराबर। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिख दोगे, बैलेंस शीट में असेट साइड, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सबको मेरी बातें समझी? हमने और 3 एडजस्टमेंट कवर कर दिए। कौन से 3 एडजस्टमेंट कवर किए, ईच एंड एवरी वन? ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर, गुड सप्लाई टू पार्टनर इंक्लूडेड इन डेटर, फिर नेक्स्ट क्या था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सबको समझा, यस और नो? आगे बढ़ेंगे, एक बार रिकैप करते हैं। ये वाला कौन सा था, एक्सपेंस इंक्लूड डिपॉजिट, तो हमने एक्सपेंस में से क्या कर दिया, लेस। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में कहां पे आ गया, असेट साइड, यस और नो? ये क्या था, सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर, सेल इंक्लूड सेल ऑफ असेट, ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल इंक्लूड सेल ऑफ असेट, ओके। आगे बढ़ेंगे, ईच एंड एवरी वन, यस और नो? ये भी हमारा हो गया। अब कुछ और है, 2 एडजस्टमेंट और कवर करेंगे, बिल रिसीवेबल डिसऑनर। सुनो यार ध्यान से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके जो चैप्टर है उसका लिंक है। मैंने मिस्टर ए को गुड्स बेचा, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, सेल्स अकाउंट। मैंने मिस्टर ए को 1 लाख का गुड्स बेचा, सबको समझ है? अब मुझे मिस्टर ए से क्या लेना है, पैसा लेना है, तो बोल रहा है कैश नहीं है। मैंने बोला चेक दे दो, बोलता है बैंक पे भरोसा नहीं है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे चलेगा, तो मैंने बोला ठीक है मैं एक बिल बना रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ मुझे मिस्टर ए से 1 लाख रुपीज़ लेना है 2 मंथ्स बाद। मैंने एक बिल बना दिया, सबको मेरी बातें समझती है?
तो मिस्टर ए के ऊपर मैंने एक बिल ड्रॉ कर दिया, मेरे पास बिल आया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बिल रिसीवेबल, क्या बोलूंगा, बिल रिसीवेबल। अब 2 महीने बाद समझो मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। जैसे चेक क्या होता है बाउंस, वैसे बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो मेरे पास जो बिल आया था वो डिसऑनर हो गया। 2 महीने बाद का मैंने मिस्टर ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, वो बिल मिस्टर ए ने पास नहीं किया, मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया, इन शॉर्ट। तो क्या वो बिल का वैल्यू है? आपने वैलेंटाइन डे के लिए 2 टिकट ले दी 14 फेब के लिए, अब सामने वाली पार्टी नहीं आई, आपका सेटलमेंट हो गया 14 फेब को, अब आप 15 फेब को जा रहे हो थिएटर में, तो आप ऐसा बोलोगे कल का टिकट है ये ले लो, तो ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो टिकट वैलिड नहीं है, 14 फेब को ही जा सकता, 15 फेब को जा सकते हैं नहीं, सबको समझता है? तो वैसे ही बिल रिसीवेबल डिसऑनर, मतलब जो डेटर मिस्टर ए मेरा डेटर है, उसने बिल नहीं दिया, पास नहीं किया, पैसा नहीं दिया, तो सबसे पहले तो बिल क्या हो गया, कैंसिल। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कहां पे आता है, बैलेंस शीट असेट साइड। सर लेस क्यों हुआ, नहीं समझा, क्योंकि वो बिल कैंसिल हो गया, अब उस बिल की वैल्यू नहीं है, वो मूवी के टिकट की वैल्यू 15 फेब को नहीं है, इसलिए बिल में से क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब मिस्टर ए से मुझे पैसा लेना है कि नहीं लेना है, लेना है, क्योंकि मैंने उसको सेल्स किया था, अब उसने मुझे वो बिल दिया, पर वो बिल पास हुआ नहीं, तो मुझे मिस्टर ए से पैसा लेना है, तो मैंने मिस्टर ए को फिर से क्या बना दिया, डेटर। तो इसलिए देखो क्या लिखा है, एड टू डेटर, डेटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, डेटर में एक इंसान ऐड हो जाएगा, वो है मिस्टर ए। जब मिस्टर ए को गुड्स बेचा था तो एंट्री क्या पास की थी, ए टू सेल्स। अब जब मिस्टर ए ने पैसा दिया तो एंट्री क्या पास की थी, बिल रिसीवेबल टू मिस्टर ए, मतलब बिल दिया तो ए का डेबिट, सॉरी, ए का अकाउंट डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, कैंसल। और प्रॉब्लम ये हो गया, ये बिल पास नहीं हुआ तो ये एंट्री फिर से क्या हो गई, रिवर्स। तो एंट्री क्या है, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, मतलब बिल जो था वो कैंसल हो गया, डेबिट था, क्रेडिट कैंसल। मैंने मेरे बुक में फिर से मिस्टर ए को क्या बना दिया, डेटर, इसलिए लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एड टू डेटर। बस आपने लिखा है बैलेंस शीट असेट, बैलेंस शीट असेट, तो दोनों असेट हो गया, तो असेट तो डेबिट होता है, पर आपने बोला एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, हैव पेशेंस। इधर क्या लिखा है, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, तो ये क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं क्रेडिट, डेबिट में से लेस हुआ तो ये क्या हो गया, क्रेडिट, और डेबिट में एड हुआ तो ये क्या हो गया, डेबिट। तो एक क्रेडिट तो दूसरा क्या हो गया, डेबिट। सबको मेरी बातें समझी, ईच एंड एवरीवन? यस और नो? लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल ऐड टू डेटर, डेटर असेट है, असेट डेबिट बैलेंस देता है, अगर ऐड करेंगे तो फिर से क्या होगा, डेबिट। आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, अकाउंट्स में सेम साइन जो होता है ऐड होता है, और ऑपोजिट साइन क्या होता है, लेस। याद रखना अगर नहीं पता तो, अकाउंट्स में सेम साइन क्या होता है, ऐड, ऑपोजिट साइन क्या होता है, लेस। इसीलिए डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, ऐड, क्रेडिट डेबिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन, लेस, क्रेडिट क्रेडिट सेम साइन क्या हो जाएगा, ऐड, और डेबिट क्रेडिट ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, लेस। क्या आपको मेरी बातें समझती है? बिल रिसीवेबल डिसऑनर के 2 इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एड टू डेटर। बिल रिसीवेबल असेट है, मतलब डेबिट है, तो उसमें से लेस हुआ है, तो डेबिट में से लेस हुआ तो कौन सा होगा, क्रेडिट, और डेटर कौन सा बैलेंस देता है, असेट में डेबिट, तो डेबिट, डेबिट में एड, मतलब डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, एड, सेम साइन एड, ऑपोजिट साइन क्या होता है, लेस। वैसे इसका उल्टा, बिल्स पेएबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर समझा तो बिल्स पेएबल डिसऑनर भी समझेगा। उल्टा, मुझे किसी को पैसा देना है, मतलब मैंने किसी को बिल दिया है पर ड्यू डेट के दिन मैंने पैसा दिया नहीं, तो जैसे चेक बाउंस होता है, बिल क्या होता है, डिसऑनर, तो वो बिल क्या हो गया, कैंसिल, इसलिए लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल। लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट, पर क्रेडिट में से लेस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। और मैंने किसी को पैसा नहीं दिया तो मेरा क्रेडिटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, इसलिए क्या लिखा है, ऐड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट, तो ऐड, मतलब सेम साइन, तो ये क्या हो गया। ये क्यों बताता हूँ मैं, तो आपको दोनों वे समझे, लॉजिक भी समझे, डेबिट और क्रेडिट भी समझे, तो एक डेबिट और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट, ये बात कभी भी भूलना मत।
ईच एंड एवरी वन सबको समझा। आज तो भी हमने अच्छा खासा कवर कर दिया, ऑलमोस्ट 9 एडजस्टमेंट कवर किए, सबको मेरी बातें समझी, ईच एंड एवरी वन। पूरा अच्छे से आपको लिख के नोट्स बनाना पड़ेगा बच्चे लोग, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। होप्स आप इधर तक समझाओ, टोटल हमारे कितने एडजस्टमेंट हो गए, 24 एडजस्टमेंट। ओके, थैंक यू।